एस्ट्रॉइड बैनू रहस्यों से भरा एक एस्ट्रॉइड है। हाल ही में नासा ने ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को बैनू की सतह पर उतारा था। यह स्पेसक्राफ्ट जब से बैनू की सतह पर उतरा है तब से ही साइंटिस्ट को हैरतअंगेज जानकारियां भेज रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट से भेजे गए डाटा से पता चला है कि यहां सिर्फ 10,000 से 1,00,000 वर्ष में ही चट्टानों पर दरारें आ जाती हैं। 10,000 साल सुनने में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन जियोलॉजिस्ट की नज़र में यह समय बहुत कम है। उन्हें यह जानकर काफ़ी हैरानी हुई कि इस एस्ट्रॉइड पर इतनी जल्दी कैसे कोई चट्टान टूट और फिर से बन सकती है। साइंटिस्ट ने बताया, दिन के समय में बैनू का टेम्परेचर करीब 127 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, जबकि रात के समय में यह -23 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी तेजी से तापमान में होने वाले बदलाव की वजह से चट्टानों पर ऐसा असर दिखता है। साइंटिस्ट का दावा है, अगर यह स्पेसक्राफ्ट सफल होता है तो वर्ष 2023 में यह सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा।